आज गांवा प्रखंड अंतर्गत रविवार को झामुमो के कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता गांवा 20 सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह, संचालन शहाबुद्दीन अंसारी ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में धनवार के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी उपस्थित रहे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए निजामुद्दीन अंसारी ने कहा कि कल दिन सोमवार को झारखंड की मुख्यमंत्री की पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन कल तीसरी आवागमन होने जा रहा है, जिसमें आप सभी तमाम भाइयों ने से अनुरोध है कि आप सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अधिक से अधिक संख्या में उनके मनोबल को बढ़ाएं। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ता को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया एवं बूथ संचालन हेतु सभी को अपने स्तर निगरानी हेतु टीम की व्यवस्था करने का सूचना दिया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी स्तर को सभी घरों तक घर घर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को जाकर बताने एवं धनवार विधानसभा क्षेत्र की धनवार के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी को तीर धनुष छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए एवं धनवार विधानसभा क्षेत्र से जीत कर हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों को मजबूत करें। वहीं मौके पर उपस्थित पूर्व जिला अध्यक्ष इमरान अंसारी, वॉक खान सोनू कुमार, रणधीर चौधरी, मरगू मालम, अनुरोध पांडे, विनय सिंह, सुरेश मुर्मू आदि सैकड़ों की संख्या में झामुमो के कार्यकर्ता आदि लोग मौजूद थे। बैठक के बारे में बताइएगा। आज हम लोग गांव प्रखंड का बैठक रखे, कल सोमवार को 2 बजे जो कार्यक्रम तीसरी गांधी मैदान में हमारे पार्टी नेत्री कल्पना सोरेन जी क्या है, उस सभा में ज्यादा लोग कैसे जा सके, इसी के तैयारी को लेकर के आज हम लोग बैठक किए। हमें उम्मीद है गांव प्रखंड से काफ़ी संख्या में लोग आएंगे और खास करके हमारी महिला माँ बहनें काफ़ी संख्या में जाएंगी और वो सभा में जन सैलाब उमड़ पड़ेगा। अभी जैसे कि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनाव मैदान में है, तो आपका अगला कदम कैसा होगा, कैसे मात देंगे उनको आप? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मात पहले ही दे चुके हैं। भाजपा इतना घबरा गई कि इनको झूठा आरोप लगा के जेल में भी बंद करने का कोशिश किया, 5 महीना तक जेल में रखा और बेदाग होके बाहर निकले और फिर काम करना वो शुरू कर दिए। इस झारखंडी जनता का दिल हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जीत चुके हैं और इस बार हम लोग पूरे गठबंधन के लोग 81 ही विधानसभा क्षेत्र में 81 में हम लोग जीते हैं। धनवार में आपका प्रमुख मुद्दा क्या होगा? प्रमुख मुद्दा राज धनवार का जो है वो है, यहाँ शिक्षा का व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। ये कॉलेज आदर्श कॉलेज है इस विधानसभा क्षेत्र में और हमारी सरकार ने एक डिग्री कॉलेज का कैबिनेट में पास किया है तीसरी में, लेकिन और हमारे बच्चियों के लिए कोई महिला कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। वो सब हमारा प्राथमिकता होगा कि ये सब करवाएंगे। जो खोरी महुआ को अनुमंडल हमने बनाया है उसको मैं राजधनवार को जिला बनाऊंगा, ये हमारा प्राथमिकता है। पीहरा, गोरथम्बा, नवागढ़ चट्टी को प्रखंड बनाने का प्राथमिकता है। इस क्षेत्र में सकरी नदी के अगल बगल में काफ़ी सिंचाई का व्यवस्था की कमी से खेती नहीं हो पा रही, लेकिन संभावनाएं हैं कि लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा अगर खेतों तक हम पानी पहुंचा दें तो इस इलाके में काफ़ी किसान लोग खेती करेंगे। यहाँ की सब्जियाँ दूर दूर प्रदेश तक जाएंगी, क्योंकि यहाँ PWD का रोड है बिहार से मैंने बंगाल तक, ये कनेक्शन है इस रोड का, तो यहाँ की सब्जी दूर दूर तक जाए। किसानों को अगर सिंचाई का सुविधा होगा तो निश्चित रूप से वो सब्जियाँ दूसरे प्रदेश में जाएगा। इस क्षेत्र में बेरोजगारी ज़्यादा है, मैं कोशिश किया था पिछले बार कि बिजली व्यवस्था में सुधार हो जाए तो रोजगार का अवसर प्राप्त होगा, कल कारखाने खुलेंगे। तो हमने दो दो पावर ग्रिड लाया था, एक राजधनवार के लिए एक गांवा तीसरी के लिए। तो गांवा तीसरी वाला तो बन के तैयार है लेकिन चालू नहीं है, उसको चालू करवाएंगे और राजधनवार में एक पावर ग्रिड और हम बनाएंगे ताकि बिजली व्यवस्था 24 घंटा सुनिश्चित हो, तो यहां कल कारखाने लगे ताकि रोजगार का अवसर प्राप्त हो इस क्षेत्र के लोग।